हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर और पेपर फर्स्ट के अंतर्गत बाबर के ऊपर हमारी क्लास रहेगी। इससे पहले बाबर के विषय में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जानना था, वो कहाँ का शासक था, उसके माता पिता कौन थे, वो कौन सी उपाधियाँ धारण करता था और उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई बाबरनामा, उसमें क्या जानकारी मिलती है, किस भाषा में लिखी गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी, चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोग प्रमुख रूप से बाबर के जो चार युद्ध हुए, ठीक है, उन चारों युद्धों के विषय में प्रमुख रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वो युद्धों पर सीधे पहुँचते हैं और आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं, सबसे पहला जो युद्ध हुआ वो हुआ पानीपत का युद्ध, और एक एक साल आप लोग लेके चलिएगा। ये हुआ 1526 में, दूसरा होगा 1527, फिर 1528, फिर 1529, ठीक है। तो इस प्रकार से चार युद्ध। पानीपत का युद्ध बाबर में भारत में, इसे लाहौर के गवर्नर और इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान ने अपने पुत्र बिलावल खान और बहलोल लोदी के पुत्र आलम खान को बाबर को भारत आने का आक्रमण करने हेतु आमंत्रण दिया था, ठीक है। पंजाब में हम लोगों ने देखा था किसका शासन था, दौलत खान लोदी। इब्राहिम लोदी का चाचा कौन था, आलम खान लोदी, ठीक है। तो इन दोनों ने जो है, आप दो नाम याद रखना, कौन कौन से, दौलत खान लोदी जो पंजाब का सूबेदार था, और थोड़ा सा उल्टा लिख गया है यहाँ पर, ठीक है, चाचा नहीं था, और आलम खान लोदी जो चाचा था इब्राहिम लोदी का, ठीक है। तो इसके समय क्या हुआ कि इन लोगों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। वो चाहते थे कि, उनकी ये मंशा थी कि बाबर आएगा, जिस तरह से तैमूर ने आकर के भारत को लूटपाट की और उसके बाद वापस चला गया था, उसी प्रकार क्या करेगा कि बाबर भी आएगा और जो है वापस चला जाएगा, ठीक है। और चूंकि वो इब्राहिम लोदी से ईर्ष्या करते थे, उसके साम्राज्य से ईर्ष्या करते थे और दिल्ली पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। दूसरी बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था, ठीक है। लेकिन राणा सांगा की जो चर्चा है, ठीक है, वो केवल बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में की है, ठीक है। तो एक पॉइंट बाबरनामा का आपको और मिल गया कि बाबरनामा में ही केवल ये डिस्कस किया गया है या ये बताया गया है कि राणा सांगा ने भी उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। इसके अलावा उस समय के जो भी अन्य ग्रंथ हैं या उस समय के ऐसे ग्रंथ जो बाद के भी ऐसे ग्रंथ जो उस समय की जानकारी देते हैं, उसमें कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया। इसलिए ज़्यादातर इतिहासकार जो है इस बात को सही नहीं मानते, ठीक है। बात करते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। तो पानीपत का युद्ध जो है, बाबर ने अपने 12,000 सैनिकों के सहयोग से इब्राहिम लोदी की सेना को बुरी तरह परास्त किया। इस युद्ध में उसने तुलगुमा युद्ध नीति का और तोपखाने का प्रयोग किया था, ठीक है। युद्ध की खुशी में बाबर ने काबुल वासियों को एक एक सिक्का उपहार में दिया था। इस उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा गया, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बाबर को और क्या कहा जाता था, कलंदर कहा जाता था, ठीक है। और वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने क्या पढ़ा था, उसको दानशीलता के लिए क्या कहा जाता था, लाख बक्स, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कुतुबुद्दीन ऐबक और बाबर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो दोनों, क्योंकि दोनों को दान देने की वजह से एक एक टाइटल मिला, ठीक है। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मिला, लाख बक्स, और वहीं बाबर को क्या मिला, कलंदर, ठीक है। तो ये दोनों टाइटल अलग अलग हैं, इसको याद रखिएगा। अपनी विजय के बाद बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में मुगल वंश के संस्थापक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया, ठीक है। इस युद्ध की कुछ
अभी हम लोग बाद में देखेंगे। पानीपत के युद्ध के समय बाबर की राजनीतिक भारत की राजनीतिक शक्ति अफगानों और राजपूतों में बटी थी। इस राजनीतिक शक्ति पर अधिकार के उद्देश्य से बाबर ने खानवा और घाघरा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो ये उसके नेक्स्ट युद्ध थे। दूसरा खानवा, जो कि कब हुआ, 16 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राजा राजा सांगे के बीच इस यह युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की, तो खानवा युद्ध के पश्चात यानी 1527 में। ठीक है, उस समय इसने इसको जिहाद या धर्म युद्ध का नारा भी दिया था। ये पॉइंट भी याद रखना, खानवा युद्ध, क्योंकि उसने ये कहा था कि बाबर की सेना जो है वो अब पस्त हो चुकी थी और वो राणा सांगा की सेना से भली भांति उनको परिचय था कि राणा सांगा की जो सेना है वो बहुत बड़ी सेना है और बहुत शक्तिशाली सेना है, इसलिए बाबर की सेना थोड़ा सा घबरा रही थी। तो उस समय बाबर ने एक ओजस्वी भाषण दिया और उसी भाषण के दौरान इसने अपनी सेना से इसको जिहाद या धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बाबर ने पहली बार किस युद्ध को जिहाद या धर्मयुद्ध की संज्ञा दी, तो खानवा के युद्ध को, और उसी युद्ध के दौरान उसने क्या कहा, अपने आप को गाजी की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि तुलगुमा नीति क्या थी। तुलगुमा एक युद्ध प्रणाली थी जो कि उसने उज्बेकों से सीखी थी। ठीक है, अब इसमें होता क्या था कि बाबर कई प्रकार की रणनीतियाँ अपनाता था युद्ध लगने से पहले। जैसे बात करें कि ये कोई युद्ध का मैदान है, ठीक है, तो ये वो पांच प्रकार से अपनी टुकड़ियां जो है लगाता था इस प्रकार से। ठीक, और युद्ध के मैदान के वो किनारे किनारे बड़ी बड़ी पहले से आकर के खाइयां खुदवा लेता था, और आगे जो है वो कुछ गाड़ियां लगवा देता था इस तरह से, और उनको बीच में लोहे की कड़ियों से क्या करता था, जोड़ देता था, और इन्हीं लोहे की कड़ियों के बीच वो अपने तोप खाने लगा कर रखता था। ठीक है, तो सबसे आगे हो गए तोपची, फिर ये हो गया दाया दल, बाया दल, सेंट्रल, फिर ये पीछे का बाया दल, दाया दल। अब इनका काम क्या होता था कि सामने से तोपें चलती थी और बीच में ये पीछे की जो सेना है ये निकल करके शत्रु सेना के पीछे से भी वार कर देती थी नगर की ओर से प्रवेश करके। ठीक है, तो समझ में आया, ये पूरी जो टेक्निक थी, रणनीति थी, वो क्या कहलाती थी, तुलगुमा नीति कहलाती थी, जो कि बाबर ने अपनी सभी युद्धों में, खासकर पानीपत, खानवा, इन सभी युद्धों में उसने अपनाया था। पानीपत में भी उसने अपनी ये नीति अपनाई, लेकिन राजा सांगा ने उस नीति की ओर ध्यान नहीं दिया कि बाबर किस रणनीति से युद्ध कर रहा है। एक साल का समय मिला, चाहता तो अपने आप को मजबूत कर सकता था, उन बाबर की उस रणनीतियों से सीख सकता था, लेकिन ना सीखना या उन चीज़ों को, अपने शत्रु की कमजोरियों को, शक्तियों को ना जानना ही राणा सांगा के लिए महंगा पड़ा, और वो भी खानवा के युद्ध में जो है परास्त हुआ। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जस्ट एक साल बाद 29 जनवरी 1528 को बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था, और इस युद्ध को भी उसने धर्म युद्ध या जिहाद में की संज्ञा दी थी, और इस युद्ध के बाद भी उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अंतिम युद्ध था उसका घाघरा का युद्ध, जो हुआ 1529 को। घाघरा के युद्ध में घाघरा बिहार नदी के तट पर बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। ठीक है, ये अफगानों के विरुद्ध की लड़ा गया बाबर का युद्ध था, और इसकी खास बात ये थी कि मध्यकाल का ये पहला युद्ध था जिसमें जल और थल दोनों सीमाओं पर ये युद्ध लगा गया था। ठीक है, यानी कि नदियों के जल सेना के द्वारा भी ये युद्ध लगा गया, और थल सेना से तो लगा ही जाता था, तो इसलिए ये मध्यकाल का पहला युद्ध माना जाता है, घाघरा का युद्ध। ठीक है, और ये बाबर की अंतिम लड़ाई थी 1530 में, फिर एक वर्ष के बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बाबर के ये चारों युद्ध आप लोगों को याद रखने हैं। बात करते हैं बाबर की रचनाएं कौन कौन सी थी। तो पहला था तुझके बाबरी,
बाबर ने इसकी रचना तुर्की में की थी। बाबर की इस रचना को अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा तुर्की से फारसी में रूपांतरित करवाया था। ठीक है, तो इसका अनुवादकर्ता कौन था ये भी आप लोगों को याद रखना है, उसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, वो ये वही अब्दुल रहीम खाने खाना है जिनको आप लोगों ने रहीम दास के रूप में पढ़ा होगा हिंदी विषय में अपने 5, 6, 7, 8 की क्लासों में। ठीक है, 9th हाई स्कूल में भी रहते ये, तो ये वही रहीम दास हैं। ठीक है, अब बाबर की संतानों की बात करें तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदाल, और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम। ठीक है, तो ये बाबर की संतानें थीं जिनमें बाद में आपस में बंटवारा हो जाता है, और कहते हैं कि बाबर ने ही कहा था कि आप लोग आपस में राज्य को बांट करके राज्य करना, और हुमायूं के लिए ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई थी। ठीक है, वो खैर हुमायूं जब आएगा तब हम लोग देखेंगे। इसके बाद गुलबदन बेगम की बात करते हैं। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और इसने भी एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था हुमायूं नामा, जिसमें आधे में हुमायूं व आधे में बाबर का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो हुमायूं नामा किसकी रचना है याद रखिएगा, गुलबदन बेगम की। ठीक है, लेन पुल का एक स्टेटमेंट है वो आप लोगों को याद रखना है कि बाबर एक सैनिक था, साम्राज्य निर्माता नहीं। ठीक है, तो ये लेन पुल का कथन है कि वो एक सैनिक मात्र था, साम्राज्य निर्माता नहीं था, तो इस स्टेटमेंट को याद रखना। अब बाबर ने 4 से 5 साल केवल राज्य किया, तो उसके पास इतना समय भी नहीं मिला था उसको कि वो अपना साम्राज्य स्थापना या प्रशासनिक रूप से साम्राज्य को संगठित कर पाता, उसका पूरा समय जो है युद्धों में ही व्यतीत हो गया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, इसने एक आगरा में आराम बाग की स्थापना करवाई थी। ठीक है, एक आराम बाग बाबर ने लगवाया था कहाँ, आगरा में। ठीक है, तो प्रारंभ में इसमें यहीं पर दफनाया गया था, लेकिन बाद में ले जा करके उसको काबुल में दफनाया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि किस शासक को कहाँ किस मुगल शासक को कहाँ दफनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बाबर को याद रखना काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, आगे जब जिन शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो उनका भी हम लोग देखते हुए चलेंगे कि उनको कहाँ कहाँ दफनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पूरा बाबर जो है कंप्लीट हो जाता है। कुछ और बातें हैं कि जैसे उसने मुबैयान, ये भी याद रखना, मुबैयान ये एक पद्य शैली थी, तो मुबैयान पद्य शैली का भी आविष्कारक था कि कौन, बाबर। या मुबैयान पद्य शैली में भी इसने अपनी का कई सारी रचनाएं लिखी थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है बाबर से संबंधित। तो चलिए, अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो भी हुमायूं अगला टॉपिक है उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।